इसको फिल्ट करना पड़ रहा है। नहीं आप इधर कर दो ना, इधर आप थोड़ी सी इधर हो जाओ। हाँ दिस इज फाइन। तो अब पूछो उनसे, सुनाई दे रहे हैं अर्पण कुमार, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? फोन करो। हाँ फोन करो सर, रीडायल पे कर। ये हाँ रीडायल पे कर। 9 4 1 लाइव तो आ गया वो, फिर क्या कहीं और कुछ करना है? 9 6 नहीं यही है उसको, वो ही इज नॉट लाइव। उसका फोन एंगेज्ड है। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। मैम इज लाइव, देखिए आपका लिखा हुआ आ गया। हाँ जी हाँ ठीक है आ गया। आपकी आवाज हमें यहाँ नहीं आ रही है एक्चुअली। अच्छा ठीक है मैं शुरू करूँ? ओके ये बात कर। हाँ मैं शुरू कर दूँ? वो जी तो आ गया यहाँ, मतलब उनको कह रहे आवाज आ रही है। अच्छा मैं शुरू करती हूँ फिर, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँ ना? आज इस कार्यक्रम में मैं अपने पहले उपन्यास उसके हिस्से की धूप पर बोल रही हूं। सबसे पहले मैंने जो सोचा है वो ये है कि सबसे पहले मैं मधु कांकरिया का आपको कुछ जो उन्होंने कमेंट किए हैं वो पढ़कर सुनाऊंगी, जिससे आपको ये पता लगे कि आज 45 साल बाद भी इस उपन्यास को क्यों पढ़ा जा रहा है, लोग क्यों पढ़ रहे हैं। संयोग है कि मधु कांकरिया इसको अभी पढ़ रहे हैं, इतने साल बाद दोबारा पढ़ रहे हैं वो। तो उन्होंने इसमें लिखा है, स्त्री हो या पुरुष, जीवन का मैनुअल है ये उपन्यास। जाने कितने छोटे बड़े जीवन सूत्र समेटे हुए है ये उपन्यास। अपनी आत्मा का आत्म का अनुसंधान है। जीवन की सार्थकता कर्म की उड़ान पूरी करने में है। क्या कभी कोई परिंदा बिना उड़ान पूरी किए लौटता है नींद में? उड़ान के दौरान प्रेम मिल जाए तो सोने में सुहागा। पर प्रेम को भोगने के लिए उड़ान पर विराम लगाना ठीक नहीं। इसको फिर से पढ़ दूं इस वाक्य को, क्योंकि हम दरवाजा बंद करने लगे थे। उड़ान के दौरान प्रेम मिल जाए तो सोने में सुहागा, पर प्रेम को भोगने के लिए उड़ान पर विराम लगाना ठीक नहीं है। जीवन में प्रेम है, प्रेम में जीवन नहीं। स्त्री अपने होने की सार्थकता पुरुष के प्रेम में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस तरंग को पहचानने में करे जिसके लिए वो आई है इस धरती पर। तो ये मधु कांकरिया की मैं बहुत ममनून हूं कि उन्होंने ये ऐसा इतने अच्छे कमेंट्स उस किताब पर लिखे हैं। अब आप किताब पढ़ेंगे तब आप खुद ये जज करेंगे कि मधु कांकरिया की कमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, या आप उनसे सहमत नहीं हैं। मैं करती ये हूं कि पहले मैं कुछ अंश पढ़ती हूं इस पुस्तक में से, और फिर मैं इस पर आप अपनी राय दीजिएगा, मैं अपनी राय दूंगी। तो मैं शुरू करती हूं। सबसे पहले मैं इसके शुरुआत के शुरुआती पन्ने पढ़ूंगी, जिससे उसकी कुछ रहस्यमयता बनी रहे आपके सामने। तो यूं शुरू होता है उपन्यास। आज अचानक जीतेन से फिर भेंट हो गई, 4 साल बाद, वो भी नैनीताल में। वो व्हीलर की दुकान पर खड़ी किताबें देख रही थी कि सहसा एक परिचित स्वर ने चौंका दिया, कोई हल्की फुल्की किताब दीजिए रास्ते में पढ़ने के लिए, वो कह रहा था। बिल्कुल जितेन की तरह उसने सोचा ही था कि अर्न स्टैंडले गार्डनर की किताब हाथ में थामे, जितेन उसके ठीक सामने था। 4 वर्ष का अंतराल इतना लंबा नहीं होता
कि लोगों में कोई खास बदलाव आए। जितेन में भी नहीं आया था, उसका सब कुछ वैसा का वैसा था। लंबा पतला शरीर, कुछ झुके झुके से कंधे, कनपट्टियों के पास सफेद पड़ रहे बाल और सांवला गंभीर चेहरा, जो मुस्कराता बहुत कम था। जब गंभीर नहीं रहना चाहता तो मुस्कुराकर नहीं रह जाता था, खुलकर हंस देता था, और जब हंसना नहीं चाहता था तो औपचारिक मुस्कुराहट होने की आवश्यकता नहीं समझता था। अरे तुम नैनीताल में क्या कर रहे हो? मनीषा ने ऐसे कहा जैसे नैनीताल आने की जितेन को कोई कानूनी मनाही हो। एक कॉन्फ्रेंस में आया हूं, जितेन ने उत्तर दिया, और बदले में ये नहीं पूछा कि वो वहां कैसे आई है। वो असमंजस के साथ मुस्कराई और बोली, कब तक हो यहां? कल शाम तक। कहां ठहरे हो? स्विस होटल में। उसे ठीक ठीक नहीं सूझा कि आगे क्या कहे, इसलिए जरा देर के लिए चुप हो गई। जितेन ने कुछ नहीं कहा, एक नजर उसे सिर से पैर तक देखकर प्रतीक्षा करता रहा कि वो और कुछ कहे। आग्रह के साथ उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, पर अधीरता के साथ नहीं। उस नजर ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी और वो बोल पड़ी, मैं सामने वाले कैफे में कॉफी पीने की सोच रही थी, चलोगे? आप समझ गए होंगे कि मनीषा जब भी असमंजस में होती है या जरा भी घबराहट में होती है तो बोलती बहुत है। अब तो खाने का समय हो रहा है, जितेन ने कलाई पर बंधी खड़ी पर नजर डालकर कहा, पास ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहां खाना जो खा ले। मनीषा को लगा जितेन को शायद याद है कि उसे चाइनीज खाना खाने का उतना ही शौक है जितना जितेन को। वो फौरन मान गई और दोनों कोपा कबाना में जा बैठे। बैठते ही जितेन ने ढेर सारी चीजों का ऑर्डर दे दिया, चाइनीज चाउमीन, अमेरिकन चॉपसुई, चिकन चिली, स्प्रिंग रोल्स और जैस्मिन टी। इतना कौन खाएगा? मैं और तुम? तुम्हें ठीक से खाना चाहिए, कितनी दुबली हो रही हो, खाली जैस्मिन टी पीने से कैसे चलेगा? सुनकर अनायास उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अपनी कमजोरी पर गुस्सा। जितेन को अभी तक याद है कि उसे जैस्मिन टी इतनी भली लगती है कि चाइनीज रेस्टोरेंट में वो खाती कम है, चाय अधिक पीती है। तभी बैरा आकर बहुत कुछ उसकी प्लेट में डालने लगा। ना ना, वो व्यस्त होती, मेज पर रख दो, हम खुद ले लेंगे। और पहले जैस्मिन टी ले आओ, जितेन ने कहा और खिलखिलाकर हंस दिया। मनीषा भी हंस पड़ी, हालांकि उसमें हंसने का उसे कोई कारण नजर नहीं आया था, पर जितेन के साथ यही होता है, हंसने के बाद आदमी सोचता है वो हंसा क्यों। फिर चाय आ गई, वो केतली उठाकर मनोयोग से प्याले में चाय उड़ेलने लगी। उसे अपना सिर इसके लिए कुछ झुका लेना पड़ा, पर वो साफ अनुभव कर रही थी कि जितेन की अपलक दृष्टि उस पर टिकी हुई है, और अब उसका चेहरा कुछ देर पहले हंसी की याददाश्त तक जाहिर नहीं कर रहा। वो फिर असमंजस में पड़ गई और बेचैनी महसूस करने लगी, इसलिए बोली, कहां रह रहे हो आजकल? वहीं, बेंगलोर। ओ, वहीं, उसने कहा और इंतजार करने लगी कि वो भी पूछे कि वो कहां पर है, पर उसने नहीं पूछा। फिर वे चुपचाप खाना खाते रहे, चाय पीते रहे, बाहर का नजारा देखते रहे, और बीच बीच में एक दूसरे को वो देखती और उसे देखता पा मुस्करा देती, वो अपने देखने को उसे देखता पा मुस्कुराता नहीं और न देखना बंद करता, बस उसका देखना गहरा जाता। क्या बच गया? मनीषा ने पूछा, हालांकि उसकी अपनी कलाई पर घड़ी बंधी थी। 3, जितेन ने कहा। वो आगे कुछ न कहकर चुपचाप बैठी रही, जाहिर था
ये सवाल उसने सिर्फ जितेन की आवाज सुनने के लिए किया था। यूं तो उसकी चुप्पी भी उसे भली लग रही थी, पर बीच बीच में दो चार शब्द कह सुन लेने से उस चुप्पी में उसका भी हिस्सा हो जाता था। यहां अकेले आए हो? उसने पूछा। जितेन ने चौंक कर कहा। अपना प्रश्न स्वयं सुनकर वो समझ गई कि ये पूछना बेकार है। यहां कॉन्फ्रेंस में अकेला आया भी हो तो इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि वो अकेला है, पर खोज की शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। यहां क्या अकेले आए हो? क्षण भर के लिए वो झिझकी, फिर पूरा दम लगाकर प्रश्न फेंक गई। दोबारा शादी नहीं की? एकदम उत्तर न देकर वो क्षण भर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, नहीं। उसे समझ में नहीं आया क्या कहे, तो पूछ बैठी वही पहला वाला सवाल, कब तक हो यहां? कल शाम तक। और इस बार उसने पूछ लिया, और तुम? 3-4 दिन और। जिस दिन कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिकाकर बोला, फिर मिलोगी कल? कहां? यहां या स्विस, जहां तुम्हें सहूलियत हो? यहां ठीक रहेगा। ठीक है, लंच आवर में आ सकोगी 1:30 बजे? 1:30 बजे क्यों नहीं आ सकोगी? किसी और समय? पर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? वो तो है, पर तुम आ सको तो समय इधर उधर कर सकता हूं। मैं सोच रही थी अगर अब कह दूं और फिर ना आ सकूं तो? कोई बात नहीं, मैं इंतजार ही तो करता रहूंगा, और क्या। उसे लगा जितेन कह रहा है वो तब तक इंतजार करता रहेगा जब तक वो आ ना जाए। ठीक है, उसने कहा, आ जाऊंगी। फिर पूछा, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई? नहीं तो 3 बजे फिर शुरू है। 3 तो बज चुके। हाँ बस चलते हैं। पहले क्यों नहीं कहा, तुम्हें इतनी देर करा दी? उठकर खड़ी हो गई। कोई देर नहीं हुई, और अगर हुई है तो मैंने खुद की है जानबूझकर। बैठो अभी, जितेन ने कहा और हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसके हाथ में थम गया। मंत्रमुग्ध सी वो बैठ गई। कल आओगे ना? जरूर, उसने हल्के से उसके हाथ को दबाकर कहा। आश्चर्य के साथ उसने महसूस किया कि आज 4 वर्ष बाद मिलने पर जितेन के हाथ के हल्के से स्पर्श से उसका शरीर तलवों तक झंझना उठा है। भरे गले को खंकार कर हां कहे उससे पहले ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। बैरा बिल लेकर आ गया था और वो उसकी अदायगी में मशगूल हो गया था। क्षण भर बाद दोनों रेस्तरां के बाहर थे। अच्छा, जितेन ने सिर हिलाकर कहा, कल मिलेंगे। और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा के बगैर लंबे लंबे डग भरता दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ी देर तक वो वहां खड़ी रही, फिर YWCA टूरिस्ट हॉस्टल जाने के लिए मुड़ गई। 1.5 मील का वो रास्ता उसने कई मनस्थितियों में गुजरते हुए पार किया। जब चलना शुरू किया तो अपने आप पर हंस रही थी, अपनी उस बचकानी भावुकता पर जिसने उसे जितेन के स्पर्श मात्र से बेचैन कर दिया था। 32 वर्ष की सूझबूझ वाली अनुभवी औरत कहीं ऐसा महसूस करती है? ये तो 16-17 साल की कुंवारी लड़कियों की बात है। उसने अपने को एक डांट पिलाई और तेज चाल से आगे बढ़ने लगी। पर कुछ दूर चलने के बाद उसके कदम अपने आप शिथिल पड़ गए। उसे अपने ऊपर टिकी जितेन की दृष्टि याद आ गई थी और पूरी तरह उसका स्वाद लेने के लिए जरूरी हो गया था कि धीमे धीमे चले। यूं धीमे धीमे चलते उसे यह भी याद आ गया कि जितेन ने फिर विवाह नहीं किया है। उसके होंठ बरबस गुदगुदा कर संतुष्ट मुस्कुराहट में फैल गए।
और वो काफी दूर मुस्कुराती चली गई। पर एक झटके के साथ उसे अपनी मुस्कुराहट बेहद बेमानी लगने लगी। जितेन ने विवाह किया या नहीं किया, इससे उसे क्या प्रयोजन? होंठ भींचकर उसने अपने को दुत्कारा और घर की ओर जाते कदम तेज कर लिए। कदम उसके फिर शिथिल नहीं हुए, पर कुछ देर बाद होंठों पर मुस्कुराहट लौट आई। उसे ख्याल आ गया था कि किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, कल जितेन से फिर मुलाकात होगी, यहीं कोपा कबाना में। ये ख्याल जैस्मिन टी की तरह मोहक था। उसकी भीनी भीनी गंध उसके नथुनों से फिसलकर होंठों पर आटक की थी और वो बरबस मुस्कराने पर मजबूर हो गई थी। ये इसकी शुरुआत है। अब आदमी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ये जितेन है कौन, और 4 साल बाद ये इसको मनीषा मिली क्यों है, और अब होने क्या वाला है। तो ये बताने के लिए कि होता क्या है और इसके सस्पेंस को खत्म करने के लिए अब जो मैं अंश पढ़ूंगी वो काफी आगे का है। जितेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं आगे आ गई हूं। हाँ जितेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मनीषा ने कहा। ये बहुत पहले की बात है। जितेन ने घड़े पर नजर डालकर कहा, आज जल्दी सोया जाए, अभी तो 8 भी नहीं बजे। हाँ बस झटपट खाना लगवा लो फिर सोए। अभी से? हाँ बहुत थका हूं, सुबह 4 बजे उठा सोचकर कि दोपहर में कुछ सो लूंगा, पर सारा दिन फैक्ट्री में बीत गया। काम हो गया? हाँ यही गनीमत है। खाना लगवा लेती हूँ, उसने कहा और सोचा बात कल हो जाएगी, जितेन वाकई बहुत थका होगा। खाना खाकर जितेन शयन कक्ष में चला गया। वो जानबूझकर बैठक में पत्रिकाएं पलटती रही, जब तक उसे विश्वास न हो गया कि इतनी देर में जितेन सोए बिना न रहा होगा। फिर वो कमरे में आई और चुपके से बिस्तर के दूसरे कोने में लेट गई, पर बहुत कोशिश करने पर भी नींद नहीं आई। घर का एक एक कोना स्मृतियों से सजीव होकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कल जितेन के साथ ये सब भी उसे छोड़ देना होगा। ये कमरे, ये बगीचा, सामने खिड़की पर झूलते मोटे नीले पर्दे, बैठक के कोने में सजा बांस का ऊंचा फूलदान, दीवार पर टंगा शिवानंद का भावमय चित्र, केरल से खरीदे कथकली के रंग बिरंगे मुखौटे, चंदन की नटराज की विशाल मूर्ति, बगीचे के दाएं कोने में उगा मैग्रेटीज सनसेट गुलाब, कतार से लगे कैक्टस के गमले और बेंगलोर शहर। उसका मन हुआ कि इससे पहले कि ये तमाम परिचित वस्तुएं उससे छिन जाएं, वो मन भरकर उन्हें देख ले। हाथ बढ़ाकर उसने बेड स्विच जला दिया। मध्यम प्रकाश कमरे में फैल गया। बिस्तर से उठते उठते वो ठिठक गई और अधलेटी मुद्रा में सिर के नीचे बाहर रखकर जितेन को देखती रही। सहसा जितेन ने आंखें खोल दी और आग बाहर बढ़ाकर उसे पास खींच लिया। सब पका कर उसने बत्ती बुझा दी। जलने दो, जितेन ने कहा। नहीं, मैं बुझाने वाली थी, मैं सोने आई थी, तुम सो जाओ। जितेन ने और कुछ नहीं कहा, हाथ बढ़ाकर बत्ती जला ली और कसकर उसके होंठों को चूम लिया। छटपटाकर उसने अपना मुंह हटा लिया और उसे परे धकेलने लगी। क्यों, क्या हुआ, उसने कहा। इस वक्त नहीं, तुम सो जाओ, थके हो। इतना नहीं थका, तुम्हें बहुत मिस किया। उसे कुछ कहने का मौका न देकर उसका मुंह उसने बंद कर दिया।
बिजली की गोंद की आकस्मिकता के साथ उसकी आंखों के सामने मधुकर आ उपस्थित हुआ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और निजीव लाश की तरह पड़ी रही। सहसा उसने पाया उसके होंठ जितेन की गिरफ्त से बाहर हैं। लगता है, उसने स्नेहिल स्वर में कहा, मुझसे ज्यादा तुम थकी हो। फिर अपनी बाहों का ढीला घेरा बनाया और उसे घेर कर बच्चों की तरह छाती से लगा सोने का उपक्रम करने लगा। उसे रोना आ गया। ओ जितेन, तुम इतने विनम्र और सज्जन क्यों हो? उन फिल्मी दुर्जनों की तरह क्यों ना हो, क्यों नहीं हो जिनकी भर्त्सना कर छोड़ देना इतना आसान होता है? फिर कुछ पन्ने छोड़कर अगली रात पर आती हूं। जितेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगली रात मनीषा ने अपने को वही कल वाला संवाद दोहराते पाया। जितेन ने अखबार पढ़ते पढ़ते कहा, फिर वही उत्तर। पर आज वह निश्चय कर चुकी थी कि उसकी तमाम अन्य मनस्था से लोहा लेकर अपनी बात कहकर रहेगी, कहकर ही नहीं उसे सुना कर रहेगी। सुन रहे हो? उसने ऊंचे स्वर में कहा। थोड़ी देर के लिए अखबार रख दो, मैं जो कह रही हूं वो सुन लो तो अच्छा रहेगा। चौंक कर उसने कहा और नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी चेहरे की अद्भुत गंभीरता ने उसकी दृष्टि को बांध लिया। क्या बात है? उसने कहा। बात जो है उसका कुछ आभास तुम्हें है। तुम्हारे मद्रास जाते समय मैंने संकेत भी दिया था। वो कह रही थी कि पास रखे फोन की घंटी जोर से बज उठी। एक मिनट, कहकर जितेन ने फोन उठा लिया। जितेन, फोन के कटते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, सॉरी, फैक्ट्री से फोन था, वहां जानती हूं तुम्हें फौरन जाना है, पर जाने से पहले मेरी बात सुन लो। उसका स्वर अनमना था। मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। क्या? वो खड़े होते होते बैठ गया, फिर हंस पड़ा। अरे इतनी भी क्या नाराजगी, उसने कहा, मैं बस गया और आया, रात तक जरूर लौटाऊंगा। मनीषा का दिल हुआ कि पास रखा फूलदान उसके सिर पर दे मारे। उफ, आदमी इतना अंधा भी हो सकता है? उसकी हंसी ने उसका संकोच फूंक मारकर उड़ा दिया और वो क्रूर हो उठी। मैं नाराज नहीं हूं, मैं मधुकर से प्यार करती हूं और उससे विवाह करना चाहती हूं। मधुकर? उसने बेवकूफ की तरह दोहराया। मधुकर? हाँ, तुम मिल चुके हो उससे। ये सब तुम क्या कह रही हो? क्यों, तुम जानते नहीं, मद्रास जाते समय मैंने तुमसे कहा था ना। क्या कहा था? कि मधुकर मुझे चाहने लगा है। हाँ शायद। मधुकर? तुम नहीं? क्यों, मैं क्यों नहीं? जितेन चुपचाप देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। ये सच है या मजाक? सच, मेरे जीवन का सबसे स्पष्ट और अनश्वर सच। पर कैसे, क्यों? कैसे क्यों मैं नहीं समझा सकती, प्रेम में कैसे क्यों होता भी नहीं। मनीषा, सहसा जितेन ने गंभीर स्वर में कहा, किसी स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का मतलब ये नहीं होता कि विवाह करें ही करें। आकर्षण ऐसी चीज है जो वक्त के साथ टिकती नहीं। तुम जानती हो मैं उतने तंग ख्यालों का आदमी नहीं हूं। मधुकर और तुम्हारे बीच कुछ हो भी गुजरा हो तो उसे भुलाया जा सकता है, इसमें तलाक की जरूरत नहीं है। आकर्षण? मैं प्रेम की बात कर रही हूं। एक ही बात है। एक ही बात? जितेन, तुमने कभी प्रेम किया है? क्यों नहीं, तुमसे करता हूं। मुझसे? विवाह का अर्थ प्रेम नहीं होता और ना साथ सोने का। मुझसे प्रेम करते तो इतने शांत भाव से मुझे मधुकर की बाहों में छोड़कर मद्रास न चले जाते। जोर करके रोक लेता तो तुम मधुकर को छोड़ देती। इसी को अनश्वर सच कहती हो?
नहीं, तुम रोकते तो भी मैं रुकती नहीं। तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम प्रेम करते तो मुझे रोकने का प्रयत्न करते, आराम से मद्रास न चले जाते। मनीषा, जितेन ने कहा, बात क्या इतनी सी है? मेरे मद्रास चले जाने पर तुम नाराज हो? मैं सोच ही नहीं सकता कि तुम मधुकर से प्यार कर सकती हो। क्यों? शायद इसलिए कि इतना भावुक मैं तुम्हें नहीं समझता था। मुझे समझने का तुमने कभी प्रयत्न किया है? शायद तुम्हारा इल्जाम सही है, पर इन दिनों मैं बहुत बिजी रहा हूं और तुमने कभी कहा भी नहीं। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इतना अकेला है छोड़ो। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही जितेन, इल्जाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहती गई, मधुकर से मैं इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत है, करती हूं क्योंकि बस करती हूं। मधुकर को तुम जानती कितना हो? कितने दिन हुए हैं मिले? 4 महीने बस। हाँ, पर आदमी को दिन और महीने के हिसाब से नहीं जाना जाता। उसे मैं 2 सप्ताह में उतना जान गई थी जितना तुम्हें 2 वर्ष में भी नहीं जान पाए, और वो मुझे 2 दिन में ही उतना जान गया था जितना तुम 2 वर्ष में नहीं जाने। ये जानना महज आकर्षण है, या जिसे तुम कहती हो प्रेम। जब वो चुप जाएगा तब क्या करोगी? प्रेम चुपता नहीं, प्रेम जरूर चुप जाता है। यही उसकी नियति है और यही उसकी त्रासदी। तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो? यही कि प्रेम जीवन का लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, तब मुझे तलाक दे दो, उसमें तुम्हें एतराज क्या है? और यहां उनका फिर तलाक हो जाता है। दिल्ली में उस छोटे से घर में गुजारे मधुकर के साथ के वो आरंभिक क्षण, जो सोचा था पूरा हुआ था आशा से अधिक। कितने क्षण हैं जो इतने संपूर्ण हो जाते हैं? कितने जीवन हैं जिनमें ऐसे संपूर्ण क्षण आते हैं? फिर भी कोई जीवन जिसमें कुछ ऐसे क्षण आ जाएं, सदा के लिए संपूर्ण तो नहीं हो जाता? अब मैंने आपको शायद काफी असमंजस में डाल दिया है या कंफ्यूज कर दिया है। ये शायद उपन्यास उस समय कहा गया कि ये भारत में प्रासंगिक नहीं है, तो शायद समय से बहुत आगे था, और शायद बाहर भी कोई ऐसा उपन्यास तब तक नहीं लिखा गया था जिसमें तलाक के बाद पूर्व पति से मिलना हो और फिर उससे बहुत आकर्षित होकर वो उसके बारे में स्त्री सोचती जाए। मनीषा को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जिसे वो जितेन की उदासीनता समझती थी, वो दरअसल उसकी उदारता थी, कि वो उसको बांध कर नहीं रखना चाहता था, उसे पूरी आजादी देता था। फिर वो मधुकर के साथ उसकी शादी हुई, उसके साथ रही 4 साल, जैसे मैंने कहा, कि बाद जितेन मिला दोबारा, और फिर बहुत कुछ हुआ। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, वो उपन्यास का आखिरी सफा है, और आखिरी सफे की आखिरी पंक्तियां हैं। तो मनीषा जितेन के साथ कुछ देर रहती है, मिलती जुलती है, रात भी गुजारती है, और फिर जितेन, जब उसे लगता है कि जितेन उसके बहुत करीब आ रहा है, तो वो कुछ काम की बात होती है फैक्ट्री के मुतालिक, और वो चला जाता है। वो लौट आती है अपने घर वापस, वो तो कुछ ही देर के लिए गई थी जितेन के पास, उससे मिलने ही गई थी, और सोचती है कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो किसके साथ रहे, जितेन के साथ या मधुकर के साथ। और फिर उसकी समझ में आता है कि एक या दूसरे पुरुष के साथ रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप पुरुष में अपने को नहीं खोजते, आप अपने भीतर अपने को खोजते हैं। मगर ये क्षण आता कैसे? ये पूरी तरह उसको विश्वास जो होता है
अजीब बात यह होती है कि वो मधुकर के माध्यम से होता है, जो बहुत खिलंदड़ा सा आदमी था, गंभीर नहीं था, बहुत भावुक था। जितेन के माध्यम से नहीं होता, जो गंभीर था, उदार था, मगर साथ साथ वो शायद प्रेम में था नहीं, उस तरह प्रेम में कभी था नहीं जैसे मधुकर था। मगर ये आखिरी बात, होता ये है कि मधुकर भी अचानक मनीषा पाती है, उससे ज्यादा किसी और चीज में तल्लीन हो गया है, और फिर वो देखती है कि वो स्कूटर पर कहीं जा रहा है बिना उससे कहे, बहुत जल्दी में है। वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, वो कहता है हम सब जुलूस लेकर लोकसभा जा रहे हैं, ये लोकसभा भंग करनी होगी, अब न मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को बर्दाश्त किया जाएगा और ना इस भ्रष्ट चुनाव प्रणाली को। ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कुछ ही दिन बाद की बात है। कहते कहते मधुकर का चेहरा अटल विश्वास और निश्चय की कांति से यूं चमक उठा कि चाहकर भी मनीषा नहीं कह सकी ये सब पहले भी हो चुका है, नतीजा कुछ नहीं निकला है। वो समझ गई कि ये समय बहस का नहीं है। उसने नहीं कहा पर मधुकर ने सुन लिया। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। इससे और कुछ नतीजा न भी निकले मनीषा, उसने कहा, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। वही तो मधुकर, वही तो असली करना है, आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि, मनीषा उत्साहित स्वर में कह उठी। उसे लगा मधुकर ठीक उसके मन की बात कह गया है। उसके स्कूटर की घड़घड़ाहट, जितेन के तेज आगे बढ़ते व्यस्त कदमों की पदचाप से जा मिली और उनके बीच मधुकर के शब्द गूंजते रहे, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो मैं कर सकता था मैंने किया। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर सिर ऊंचा करके ठंडी हवा का लंबा कश खींचा और भीतर जाने के लिए मुड़ गई। एक सुखद अनुभूति के साथ उसने पाया कि अकेलेपन की चिलकती धूप अब उसे डरा नहीं रही, प्यार से सहला रही है। वो सीधी अपने कमरे में अपनी लिखाई की मेज पर पहुंची और वहां पड़ा कलम हाथ में थाम लिया। तुम मुझे लेखिका मानो न मानो मधुकर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगी, अवश्य लिखूंगी, और वो जो मुझे परितोष दे सके, उसमें और कोई नतीजा न भी निकले, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया। तो ये तो मैंने आपको अंश सुना दिए। मैं खास तौर पर आज के समय में कहना चाहती हूँ कि ये जहाँ इसका अंत होता है, जो वो कहता है आंदोलन करने जा रहा है, और आज आप जानते हैं कि आंदोलनकारियों को सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं किया जा रहा, लांछित भी किया जा रहा है, और जब वो कहता है कि और कुछ नतीजा न भी निकले मुझे तसल्ली रहेगी कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, तो हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी, लोकतंत्र का मर्म ही ये है, उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ही यही है कि जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उससे अगर आपको तसल्ली मिले तो वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब कुछ गलत हो रहा होता है और उसको आप सही करना चाहते हैं तो आप आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करना गांधी जी से लेकर आज तक हमने तरह तरह के आंदोलन किए हैं, और आंदोलन करना ही हमारे मन की शक्ति का परिचय देता है, हमारी आस्था, लोकतंत्र में हमारी आस्था का परिचय देता है, हमारे निश्चय का परिचय देता है, और ये परिचय देता है कि हम नागरिक हैं, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री। मुझे याद है जब ये पुस्तक मनु भंडारी जी ने पढ़ी
तो उन्हें इसका अंत पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कैसे वो बाल झटक कर और जाकर अपनी लिखाई की मेज पर बैठ गई और उसने सब दोनों पुरुषों को जैसे भुला दिया और अपना काम करने लगी। मगर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सुखद अंत है एक स्त्री के लिए कि वो पुरुष पर अब निर्भर नहीं है, वो भी पुरुष की तरह ही, उस पुरुष की तरह ही जिसने कहा कि कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि जो कुछ मैं कर सकता था, जो मेरे बस में था, वो मैंने किया। आप लोग शायद ये शब्द पहचान रहे होंगे, ये शब्द फणीश्वरनाथ रेणु के कहे हुए हैं। यही शब्द नहीं है, बिल्कुल यही शब्द नहीं है, इनसे मिलते जुलते शब्द हैं जो उन्होंने जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया तब उन्होंने कहे थे। ये शब्द मेरे दिमाग में बसे रह गए थे और जब मैंने ये उपन्यास लिखा, पहला उपन्यास है मेरा, जब मैंने लिखा तो वो शब्द अपने आप अभिव्यक्ति पा गए, अपने आप वो मेरे एक पात्र के मुंह से निकल आए और उस स्त्री को सिखा गए कि वो भी ये कर सकती है, वो भी पुरुषों के पीछे दौड़ने के बजाय, एक पुरुष के बजाय दूसरे पुरुष के पास जाने के ख्याल को छोड़कर अपने भीतर अपने आप को पा सकती है, अपनी अस्मिता को तलाश कर सकती है। अब मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये 2010 में ये जो मेरा उपन्यास है उसको कालिया जी ने, रविंद्र कालिया जी ने, तब वो नया ज्ञानोदय के संपादक थे, उन्होंने इसका संक्षिप्तीकरण करा के उसको बेवफाई अंक में छापा था और उस बेवफाई अंक में बहुत बवाल मचा था किन्हीं और कारणों से और कुछ समय तक वो बिका नहीं था, उस पर रोक लग गई थी। फिर वो बिकना शुरू हुआ और बहुत धड़ाधड़ बिका। तो मजेदार बात ये थी कि उसमें रविंद्र कालिया जी ने, जो काफी शरारती आदमी थे, उन्होंने इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था, 1975। आज 45 साल हो गए हैं उसको, तब भी 35 साल बीत चुके थे। तो जिन लोगों ने इसको पढ़ा उनका ये ख्याल हुआ कि ये कोई नई लेखिका है और कोई इसका पहला उपन्यास है या कम से कम कोई युवती है जिसका ये उपन्यास है। तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितने फोन मेरे पास आते थे और सब मुझसे ऐसे बातें करते थे बड़े रोमानी ढंग से, जैसे मैं कोई बहुत ही कम उम्र युवती हूं। तो एक दिन तो बहुत मजेदार किस्सा हुआ, मुझे बहुत मजा आता था, मतलब वो ऐसी बातें करते थे तो मुझे बड़ी हंसी आती थी जबरदस्त, कि इनको ये नहीं पता कि इतने साल पहले लिखा हुआ उपन्यास है और तब इसलिए उस पर कहा गया था कि प्रासंगिक नहीं है और फिर वो प्रासंगिक हो गया। तो मैं ये कहना ये भी कह दूं बीच में कि हम जो उपन्यासकार हैं, जो जिन पर ये एक तरह से श्राप है कि वो रचना करें, हाँ निर्मिति ना करें, सर्जित करें चीजों को, तो वो सिर्फ वो नहीं लिखते जो आज हो रहा है, जो आज संभव है, वो भी लिखते हैं जो हो सकता है, हो सकता था, आगे हो सकता है या जो होना चाहिए। तो जो 35 साल बाद हो सकता है उसको लिखने की मुझे पूरी आजादी थी और वो मैंने लिखा और वो आज प्रासंगिक हो गया। तो एनीवे, जो मैं कह रही थी कि इस बेवफाई अंक के बाद जो मेरे पास फोन आते थे जबरदस्त, तो एक दिन तो बड़ा, फिर मैं बाद में उन्हें बतला भी देती थी कभी कभी कि भाई ये उपन्यास बहुत पहले छपा था। तो एक दिन एक सज्जन का फोन आया, वो कुछ ज्यादा ही रोमानी हो रहे थे, तो बार बार कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं जितेन हूं कि मैं मधुकर हूं। तो मैं थोड़ी देर तो सुनती रही, मजा लेती रही उसका, फिर मैंने धीमे से कहा कि दरअसल ये उपन्यास 1975 में छपा था। क्षण भर के लिए एकदम चुप्पी हो गई और फिर फोन कट गया।
मगर तुरंत ही फोन दोबारा बजा। मैंने उठाया तो उन्होंने कहा, वो ऐसा है कि मैं आपको प्रणाम करना भूल गया था। उनको समझ में आया कि भाई इसकी उम्र क्या होगी और मैं ऐसे बोले जा रहा था इसके साथ, तो ऐसे मजेदार अनुभव होता था। तो ये इससे पता चलता है ना कि अगर लेखक का नाम, उम्र, वो क्या करता है, ये सब पता ना हो तो आप उपन्यास को खूब खूब मजा लेकर पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर हमें आप जाने ना तो ही बेहतर है। लेखक को जानना कुछ भी जरूरी नहीं है, मगर आजकल चलन हो गया है कि भाई लेखक को जानो, उसके बारे में जानो। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं जहां रहती थी उस जगह का आपने नाम नहीं सुना होगा, वो कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा था, बागलकोट उसका नाम था। और वहां रहकर ही मैंने अपनी कहानियां वगैरह धर्मयुग में जो छपी हैं या कहानी भी छपी हैं या साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी, सारिका में छपी, सब वो कहानियां मैंने वहां बैठ कर लिखी और भेजी। तो 4 साल तक किसी ने मुझे देखा नहीं था, सिर्फ मेरी जो एक आध तस्वीर छपती थी वो देखा था, देखी थी या मेरी चीजें पढ़ी थी। और मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नहीं मालूम था, हालांकि शादी से पहले तो मैं दिल्ली ही रहती थी, लिखना मैंने शादी के बाद शुरू किया। तो मुझे मगर साहित्यिक राजनीति या गुटबाजी या इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो जब मैं दिल्ली लौट के आई तो दिल्ली आते ही मैंने ये उपन्यास उसके हिस्से की धूप लिखा। तो तब भी मुझे करीब करीब कोई कहना चाहिए जानता नहीं था, हालांकि उसके हिस्से की धूप अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव ने छापा तो उनसे जरूर पांडुलिपि देने और उस सब सिलसिले में बातचीत हुई। और वो मुझे, अब एक बार यादव जी आपको जान जाए तो पूरा शहर ही जान जाता है, उस तरह से उनके इतने तो लोग आते थे अक्षर प्रकाशन में जिनके संग उठना बैठना होता था, तो आपको लोग कुछ हद तक जानने लगते थे। मगर जब तक उपन्यास पढ़े ना और फिर बाद में अगर 35 साल बाद पढ़े तो उन्हें नया उपन्यास जैसा ही वो लगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सुखद बात है कि इतने साल बाद उसको पढ़कर लोगों को लगता है कि कोई नया लिखा हुआ उपन्यास है। मुझे जो चीज अपने उपन्यास में खुद पसंद है वो यही है कि वो समय से बंध कर नहीं लिखा गया, वो आगे आगे के बारे में लिखा गया। और दूसरी बात ये कि ये शायद पहला उपन्यास था किसी भी भाषा में जिसमें विवाह के इतर प्रेम होने पर स्त्री को कोई अपराध बोध नहीं था। उसको ये महसूस तो हुआ कि उसने जिस आदमी को छोड़ा, जिस इंसान को छोड़ा, वो शायद बेहतर इंसान था जिससे शादी की उसके बनिस्बत। बल्कि इसमें एक जगह एक पंक्ति आती है जहां वो कहती है मधुकर से कि वो तुमसे बेहतर आदमी था, और मधुकर कहता है बेहतर तो वो तुमसे भी है, तुमसे भी बेहतर आदमी था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जो विवाह किया वो इसलिए नहीं किया कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने विवाह किया क्योंकि हम प्रेम करते थे। तो उसका बहुत प्रेम में विश्वास था और मनीषा का भी था। दरअसल ये जो कहानी है ये एक सफर है जिंदगी का, जिसमें एक बहुत रोमानी लड़की, रोमानियत से भरी हुई लड़की, जिसे इस बात की का बहुत दुख है कि उसका पति उसको उस तरह से प्रेम क्यों नहीं करता जैसे फिल्मों में प्रेम होता है, प्रेम के बारे में कहता क्यों नहीं, इस बात से नाराज क्यों नहीं होता कि वो बाहर जाती है, देर से लौटती है, लोगों से मिलती है। तो जो उसकी उदारता है पति की वो उसकी समझ में नहीं आती थी, वो रोमानी थी, रोमांस चाहती थी, प्रेम से भी ज्यादा वो रोमांस चाहती थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी बेवकूफ औरत थी, समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी में सचमुच वो क्या चाहती है, जिंदगी से वो सचमुच क्या चाहती है। और 4 साल का अंतराल इस उपन्यास में गुजरता है,
उन 4 सालों में वो परिपक्व होती है और अंत में वो जिस मुकाम पर पहुंचती है कोई नहीं कह सकता कि वो रोमानी या बेवकूफ या भावुक स्त्री है। वो बहुत सशक्त स्त्री के रूप में उभर कर आती है जो पहचान गई है कि उसे खुद को पाना है अपने भीतर से, और वो ये भी कहती है कि इसमें उपन्यास में कि वो लिखेगी और एक बच्चे को गर्भ में रख कर लिखेगी, क्योंकि शिशु का होना भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें उसकी समझ में आती हैं। मुझे याद है मैं जर्मनी में थी, गई थी किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ एक पुरुष आलोचक ने मुझसे कहा कि ये जो स्त्री है आपके उपन्यास की, शी इज अ वेरी सिली वुमन। तो वहीं बैठी जो दूसरी महिला थी, वो भी वहाँ पढ़ाती थी उसी यूनिवर्सिटी में, फ्रैंकफर्ट में, और वो भी अच्छी मानी हुई आलोचक थी। उन्होंने फौरन कहा, वाई कांट अ वुमन बी सिली, आखिर एक औरत बेवकूफ क्यों नहीं हो सकती अगर वो आगे आने वाले वक्त में अपने व्यक्तित्व को पहचाने, अपने शख्सियत को पहचाने और उसका विकास हो। पहले दिन से अगर किरदार वैसा का वैसा हो जैसा आखिरी दिन होगा, तो मैं समझती हूं कि ये कृति की सफलता नहीं है, ये कृति की असफलता है कि किरदार जहां से शुरू हुआ वहीं खड़ा रहा। अगर उदार था तो बस उदार रहा, खलनायक था तो खलनायक रहा, अगर रोमानी था तो रोमानी रहा, ऐसा हो तो फिर मैं उसे सफल कृति नहीं मानती। इसलिए मैंने भी मनीषा के साथ साथ इसमें एक यात्रा की थी, एक सफर किया था, और मैं उसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। मुझे नहीं मालूम आप ये इससे कहाँ तक सहमत होंगे, और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा इस वक्त कि मैं कितनी देर बोल चुकी और अभी मैं क्या और बोलूं? क्या कहना है आप लोगों का? आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगी, नहीं तो मैं कुछ और इसके बारे में बोलूं, उपन्यास के मैं बारे में। एक इसके साथ और बात हुई थी 2010 में, तो मैंने बताया कि ये बेवफाई अंक में छपा। 2011 में इस पर एक सीरियल बना, दूरदर्शन ने बनाया, और अच्छा सीरियल बना, अच्छी तरह फिल्माया गया, 6 एपिसोड थे उसके, मगर उसमें जो मैंने आखिरी सफा आपको पढ़कर सुनाया, जो मेरे हिसाब से उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है और जो आखिरी पंक्तियां मैंने आपको पढ़कर सुनाई, बस वो बदल दी गई थी। और इसलिए बदल गई दी गई थी क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ सृजन और आलोचना के बीच में विमर्श आकर घुस जाता है, और विमर्श जो स्वतः चल रही प्रक्रिया होती है उसे अवरुद्ध कर देता है। तो जो उन्होंने अंत दिया वो अंत, ये अरुण चड्ढा ने बनाया था, अच्छा सीरियल बनाया था, मगर जो अंत दिया उन्हें लगा, जैसा कि चलन है स्त्री विमर्श, स्त्रीवादी विमर्शकारों का, कि वो स्त्री को घर छोड़कर चले जाना चाहिए और वो उसका एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है। तो यहां तो वो स्त्री गई नहीं, बल्कि दोनों पुरुष उसको छोड़कर चले गए, एक अपनी फैक्ट्री में वापस अपने काम करने और एक आंदोलन करने। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये सशक्तिकरण तो नहीं हुआ। तो उन्होंने ये दिखलाया कि मनीषा मधुकर का घर छोड़कर चली गई है, अकेले रह रही है, मगर छोड़ा उसने है, और उनके हिसाब से ये सशक्तिकरण था, और मेरे हिसाब से ये थोपा हुआ अंत था।
और इसमें आपको एक बहुत मजेदार बात बतलाऊं कि मेरे एक मित्र हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत में। उन्होंने ये सीरियल देखा और उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने मुझे लिखा, ये जो सीरियल का अंत है मृदुला, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ये जरूर उन्होंने किताब को बदल दिया है। तो आप सोचिए कि वो आदमी कितना संवेदनशील होगा जिसने बिना किताब पढ़े ये कयास लगा लिया कि ये अंत मेरे लिखे हुए उपन्यास का नहीं हो सकता, और उसे बदल दिया गया है। और उसे सिर्फ बदला इसलिए जिससे वो जो कहते हैं ना क्लीशेड एक विमर्श है, जो माना जाता है, जो सर्वमान्य है, जिससे किसी को परेशानी नहीं होती, वो अंत उसका हो जाए, और इसलिए वो अंत किया गया। आनंदा पत्नी, आपने लिखा है तो आपको समझौता करना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज से समझौता करना पड़ा मुझे। मैंने तो किसी चीज से समझौता नहीं किया इस उपन्यास में। जरा बतलाएंगे किस चीज से मुझे समझौता करना पड़ा? उदय बानू पांडे जी, आप बड़ा ही घिसा पिटा सवाल कर रहे हैं, आर यू फेमिनिस्ट? आप भी होंगे, आप भी फेमिनिस्ट होंगे। आज के युग में हर सोचने समझने वाला बंदा फेमिनिस्ट होता है। एक जमाने में कहा जाता था, इफ यू आर राइट यू आर अ लेफ्टिस्ट। आजकल अगर आप आसपास की दुनिया को समझते हैं तो आप फेमिनिस्ट होते हैं। मगर फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी घिसी पिटी लाइन को पकड़ें, स्त्रीवादी विमर्श की किसी घिसी पिटी लाइन को पकड़ें, और ये मतलब भी नहीं होता कि आप साहित्य में फेमिनिस्ट की तरह लिखें। साहित्य लिखने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके भीतर समाज जीता है, मानव, पूरी मानव सभ्यता, संस्कृति सब उसके भीतर जीती है, और वो कहीं से कोई भी पात्र उठा ले उसके भीतर वो प्रवेश करता है। जरूरी नहीं है कि वो पात्र उसके जैसा हो सकता है उससे बिल्कुल विपरीत हो। जरूरी नहीं है कि उस पात्र से आपको हमदर्दी हो, ना हो सकता है लेखक को भी अपने पात्र से हमदर्दी ना हो। बल्कि मैं कहती हूं कि लेखक को अपने किसी पात्र से हमदर्दी होनी ही नहीं चाहिए, उसे सब पात्रों को उसी तरह देखना चाहिए, उसके लिए वो सब बराबर होने चाहिए, मतलब उन सबके भीतर उसको प्रवेश करना चाहिए। अंत बदलने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि फिल्म बनाते वक्त, और खासकर जब टीवी का सीरियल बन रहा होता है, कोई आपसे अनुमति लेने नहीं आता। उन्होंने शुरू शुरू में मुझसे ये पूछा था कि इसमें नैनीताल है, मैं नैनीताल जाके शूटिंग नहीं कर सकता, क्या मैं कहीं और कर सकता हूं? मैंने कहा था आप जो चाहे कर सकते हैं। जब मैंने किताब लिखी थी तो आपसे तो पूछा नहीं था क्या लिखूं। अब आप फिल्म बना रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि मुझसे पूछें कि क्या उसमें दें। आप चाहें तो सब कुछ निकाल दें और एक अलग ही कुछ चीज बना लें। उन्हें समझ में आया कि मैं तंज कर रही हूं। फिर मैंने कहा कि नैनीताल इसमें जरूरी है क्योंकि इसमें पानी का बहुत महत्व है। वो जो नैनीताल के लेक के पास बैठे हैं और वहां का नजारा देख रहे हैं तो वहां सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है पानी में, और पानी धीरे धीरे हिल रहा है हवा की वजह से, प्रतिबिंब भी हिल रहे हैं, ऐसे ही जीवन है। वो बहुत चीजों को प्रतिबिंबित करता है और बहुत चीजों को झटका देकर हल्के से हिलोर से बदल देता है, तो वैसा ही जीवन है। मगर ये कोई पूछता नहीं है। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं अंत बदल रहा हूं। मैंने तो वो तभी जब देखा सीरियल तभी मुझे पता लगा कि उन्होंने ये बदल दिया है।
उस वक्त मैं उन पर क्या करती, कोर्ट केस कर सकती थी जो मैं हार जाती, क्योंकि जज महोदय भी जरूर ही स्त्री विमर्श को जानते होते और वो कहते कि हाँ महिला सशक्तिकरण तो तभी हो सकता है जब स्त्री घर छोड़कर जाए। अगर घर नहीं छोड़ती, उसी पुरुष के साथ रहती जाती है तो ये तो समझौता हुआ। वो ये समझ ही नहीं पाते एक घर में रहते हुए भी दो इंसान पूरी तरह से स्वाधीन हो सकते हैं, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने नजरिए में, अपने कर्म में। साथ रहना, दोस्ती निभाना, शादी निभाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने लिए सोच नहीं सकते। मधु का बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सूत्र तो जीवन की घटना से ही मिला, मगर ये घटित नहीं हुआ था। मेरा तो कभी तलाक नहीं हुआ, मैंने एक आदमी से विवाह किया, उसी से अब तक उसी से विवाहित हूं। 57 बरस बीत चुके। मगर घटना यूं थी, सोच के धरातल पर थी। बात हो रही थी हमारी हमारे एक दोस्त से, और उन्होंने कहा अगर आपका विवाह किसी से हो और आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो आपको बहुत पसंद आए, जिससे आपका प्रेम हो जाए, तो आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा मैं प्रेम करूंगी। तो उन्होंने कहा विवाह को तोड़ेंगी नहीं? मैंने कहा ये प्रश्न अगर आप मुझसे 15 साल पहले करते तो मैं कहती हाँ विवाह को तोड़ दूंगी, तलाक ले लूंगी और इस दूसरे आदमी से विवाह कर लूंगी, चाहे वो प्रेम टिके चाहे ना टिके, क्योंकि प्रेम जो खुशी आपको देता है वो क्षणिक भी हो तो भी ले लेनी चाहिए। मगर अब मुझे समझ में ये आ गया है कि आप विवाह को बिना तोड़े भी प्रेम कर सकते हैं। विवाह अपनी जगह है और आप दो पुरुषों से भी प्रेम कर सकते हैं, अलग अलग तरह का प्रेम। एक के लिए आपके मन में बहुत आदर सम्मान हो सकता है और एक के लिए आपके मन में प्रेम आकर्षण मोह हो सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूं कि हाँ ये आप कर सकते हैं, तो शायद बहुत से लोग कहेंगे कि ये भारतीय नारी का सोच नहीं है। तो सचमुच मैं भारतीय नारी के सोच से बिल्कुल चलती नहीं हूं, और इस उपन्यास में भी भारतीय नारी की कोई भारतीय नारी का कोई चित्रण नहीं है, कोई छवि नहीं है। बल्कि एक मजेदार बात ये हुई थी, आप जानते होंगे रामबख्श शेख बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कहा था कि एक बात है मैं मृदुला गर्ग की जो वो स्त्रियों का जिनका चित्रण करती हैं उनके साथ जीवन नहीं गुजार सकता, वो बहुत तर्क करती हैं, बहुत सोचती हैं, बहुत अपने लिए खुद निर्णय लेती हैं, ऐसी स्त्री के साथ रहना बहुत दुखदायी है। तो बहुत से पुरुष शायद यही कहते कि ऐसी स्त्री के साथ रहना बहुत दुखदायी है। मेरे पति ने नहीं कहा, 57 बरस से वो मुझे भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे साथ रहना बहुत कठिन है। मगर मैं जानती हूं कि कठिन है और उनके लिए कठिन है, मगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसके साथ कोई परेशानी ही ना महसूस हो साथ रहने में, तो उसमें मजा क्या है, वो तो बड़ा ही उबाऊ जीवन होगा। तो मैं भी ये सोचती हूं कि थोड़ी बहुत रार तकरार कुछ तो होना चाहिए, अलग अलग विचार भी होने चाहिए, तभी जीवन में कुछ मजा आता है, मतलब दिलचस्प होता है, रौनक होती है, आप अपने से अलग
अपने से विपरीत आदमी के साथ जिंदगी बसर करते हैं तो हर रोज कोई नया अनुभव होता है। नहीं सरला जी, ये सरिता जी, ये क्रांतिकारी विचार नहीं है। जब मैंने ये उपन्यास लिखा तो आप उस जमाना था जब चिट्ठियां आती थी, खत आते थे। कितने कितने खत मेरे पास आए स्त्रियों के, घरेलू स्त्रियों के, गृहणियों के, कि ये तो हमारी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है, बस मैंने कभी किसी से कही नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मगर कहने में डरते हैं, कहने में कतराते हैं, क्योंकि वो जोखिम का काम है, उसमें जोखिम होती है, उठानी पड़ती है। सोचने में तो आप एक बात सोच सकते हैं और दूसरों को लगे कि आप कुछ और ही सोच रहे हैं। खासकर स्त्रियां इसमें बहुत सिद्धस्त होती हैं, वो आपको विश्वास दिला सकती हैं कि आप उनसे गहरा प्रेम करती हैं, जबकि आप बिल्कुल भी उन्हें पसंद ना करती हो। आप एक स्त्री जो है वो बहुत चीजों को, आप जानते हैं, मैं क्या आपको बतलाऊंगी, सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत चीजों को उल्टी तरह से, विपरीत ढंग से दिखला सकती हैं और पुरुष बेचारे को विश्वास करवा सकती हैं कि वो यही सोचती हैं। तो ये मैं विचार क्रांतिकारी नहीं है, कहन क्रांतिकारी। इसके बाद, इस उपन्यास को लिखने के बाद बहुत कुछ हुआ। एक ये ऐसा उपन्यास था जो अपने क्रांतिकारी विचारों के बावजूद जिसको बहुत पढ़ा गया, बहुत पढ़ा गया, बहुत लोकप्रिय हुआ। अगले ही साल इसका पेपरबैक, पॉकेट बुक आ गई थी और बहुत, पता नहीं कितने संस्करण हो चुके हैं अब तक, और राजकमल प्रकाशन ने इसका पेपर बैक कर लिया था और अब चल रहा है, अभी तक अभी नया आया है। और इसको अचरज की बात थी कि इसको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से महाराज वीर सिंह, उनका एक पुरस्कार है अंतर, मतलब अंतर राज्य पुरस्कार है, और वो इसको मिला था उसके हिस्से की धूप को। और बहुत अच्छा जो हुआ था मुझे, क्योंकि उसके बाद तो धीरे 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 ये बात आई कि भई ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में तलाक नहीं होते, हिंदुस्तान में स्त्रियां ऐसे सोचती नहीं, ये सब वगैरह बातें। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मेरे पास तो इतने खत है जिसमें स्त्रियों ने लिखा कि ये हमारे साथ भी हुआ है, हमारी भी कहानी है, तलाक में नहीं पहुंचे मगर कहानी है हमारी, मन की कहानी है। और ये तो खैर मैंने जैसे पहले भी कहा था, शुरू में कहा था कि ये कहानी एक तब तक किसी विदेशी भाषा में भी शायद नहीं लिखी गई थी, जहां पूर्व प्रेमी, पूर्व पति से मिलकर दोबारा से उससे एक रिश्ता बनता है, दैहिक रिश्ता भी बनता है, वैचारिक रिश्ता भी बनता है, मानसिक आत्मिक रिश्ता बनता है कुछ समय के लिए। तो ये थोड़ा सा क्रांतिकारी था। बिल्कुल ठीक कह रही हो अमिता, तर्कशील नहीं होगी तो जीवन क्या होगा, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तर्कशील का मतलब ये नहीं है कि सबसे तुम तर्क करते घूमो, मतलब ये है कि अपने से भी तर्क करो, अपने को भी बदलो, पुनर्विचार करो चीजों पर, जो कुछ तुम्हारे आसपास घट रहा है उस पर विचार करो। हाँ, अखिल भारतीय पुरस्कार कहते हैं उसको, मैं भूल गई क्या कहते हैं। और ये मैं समझती हूं कि मेरी माँ ने तो, आपको आश्चर्य होगा, जब ये उपन्यास पढ़ा तो उनकी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो ये थी
कि इसको कॉलेज में लगा देना चाहिए, पाठ्यक्रम में लगा देना चाहिए, क्योंकि जो जवान होती लड़कियां हैं वो इसको पढ़ें और समझें कि इस तरह से रोमानी नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर जीवन के निर्णय लेने चाहिए। और असली बात यह है जहां वो मनीषा अंत में पहुंचती है कि अपने भीतर से अपने को विकसित करो, अपने को पहचानो, अपनी अस्मिता को ढूंढो, किसी पुरुष का सहारा मत लो, पुरुष के साथ रहो पर उसको अपना संबल मत बनाओ, मतलब उसके ऊपर एक जैसे एक पेड़ के ऊपर एक लता चढ़ जाती है उस तरह से उसके कंधों पर चढ़कर मत जियो, अपना जीवन अलग से बनाओ। तो ये मेरी माँ ने कहा था उस समय जब, और पहले इसको ही क्रांतिकारी बता रहे थे लोग उपन्यास को, और मेरी माँ तो समझो और 20 साल पहले की उम्र की थी तो वो कितनी क्रांतिकारी रही होंगी, मगर उन्होंने तो बिल्कुल सहज भाव से कहा कि इसको कॉलेज में लगा देना चाहिए क्योंकि लड़कियों को ये पढ़ना चाहिए, उनको समझ में आएगा कि जीवन में जो बहुत कुछ है जो खुद वो प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते कि वो जोखिम उठाने को तैयार हो। तो खत्म किया जाए, कितना टाइम हो गया, 1.25 घंटा तो हो गया। हमने जब ये बात बतलाया, जब इस पर सीरियल बना दूरदर्शन ने बनाया, तो जब मुझे कहा गया कि इस पर सीरियल बना रहे हैं तो मैंने बहुत कहा कि इस पर मत बनाओ, ये तो बहुत पुरानी कहानी हो गई। मैंने एक दूसरा उपन्यास कहा कि उस पर मैं और मैं एक उपन्यास है मेरा, मैंने कहा कि इस पर बना लो, मगर सबको लगा कि भाई यही इसी पर बनाना है हमें क्योंकि ये ज्यादा लोकप्रिय रहा था उपन्यास, तो उनको यही पसंद आया इसलिए यही बनाया गया। मगर मजे की बात ये थी कि जो उसका मर्म था मेरे ख्याल से उसको उन्होंने बदल भी दिया। मुकुल कुमारी ने पूछा है कि स्त्रियां जब अपने लिए जीने लगती हैं तो उनमें एक अपराध बोध पैदा हो जाता है जो संभवतः भारतीय संस्कृति और परंपरा की कंडीशनिंग है। हाँ, यही तो मैं अभी तक कहती रही हूं कि इस उपन्यास में खास बात ये थी कि उसमें उस स्त्री में अपराध बोध नहीं है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ज्यादातर अपराध बोध होता है और ये अपराध बोध दिखाया जाता है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसको अगर सजा मिले, अगर जो स्त्री अपने तरीके से जिए तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे जो सबसे मशहूर उपन्यास है एना कैरेनिना, जितनी अच्छी तरह टॉल्स्टॉय ने एना कैरेनिना को समझा, एक स्त्री के मन को समझा, शायद ही किसी पुरुष ने कभी समझा हो, शायद ही स्त्री ने कभी उसको ऐसी इस तरह से चित्रित किया हो, मगर अंततः तो एना कैरेनिना ने आत्महत्या की, कहीं उसको सजा मिली, बहुत समय तक उसके भीतर कोई अपराध बोध नहीं हुआ मगर टूटन हुई, उसके भीतर उस प्रेम से मोह भंग हुआ और अंततः उसने आत्महत्या की। तो ये अपराध बोध हमेशा दिखलाया जाता है और हम
असल में मैं समझती हूँ कि कभी कभी जब वास्तविक अपराध बोध नहीं भी होता तब भी हम ऐसा दिखलाते हैं, स्त्रियां ऐसा दिखलाती हैं कि उनमें अपराध बोध है, कि वो भाई बहुत शर्मसार हैं और ऐसा दिखलाकर वो अपने पति को खुश कर लेती है। क्योंकि ये कहना कि मुझ में अपराध बोध नहीं है, उसको लेकर कोई अपराध बोध नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल काम है, उसके लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कि मुझ में अपराध बोध नहीं है। और इस पर मुझ में अपराध बोध नहीं है कि अपराध बोध ना होने पर भी मुझ में कोई अपराध बोध नहीं है। क्या कहानी लिख रही है रश्मि जी? ये बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि एक आदमी बोलता जा रहा है और बाकी वो पढ़ रहा है। इस पर तो मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैं मेरी आंखें ठीक हुई हैं और अब मैं काफी कुछ कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर काफी युवा लोग होंगे, मैं उनसे दो बातें कहना चाहूंगी। युवा लोगों से कुछ भी कहते हुए मैं बहुत डरती हूँ ऐसे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप बूढ़ों को कुछ मालूम नहीं होता है, हमें सब कुछ मालूम है। मगर मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके साथ चलो, जो देश में हो रहा है, जो सत्ता में हो रहा है उसके साथ मत रहो। एक वोट देने का तो अधिकार है ना, अभी भी, अभी तक तो है कम से कम, उसका इस्तेमाल ऐसे करना कि बार बार चुनाव हो और चुनिंदा सरकार आए और वो बदले, बार बार आप अलग पार्टी की सरकार बनाए, बनाने की हिम्मत रखें, ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ। आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ बनियास का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना बात का अपराध बोध मत पालो, इससे मत घबराओ कि वो कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अरे समाज कुछ नहीं कहता रहता, समाज तभी तक आपको तंग करता है जब तक आप उससे तंग होते हैं। आप उससे डरते हैं तो वो आपको डराता है, आप उसकी बात की परवाह नहीं करेंगे तो आपकी बात ही नहीं करेगा, किसी और की बात करेगा। नहीं, परस्त्रीगामी होना, राजवंत राज ने जो लिखा है, परस्त्रीगामी होना अकेला दंश नहीं होता। मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की उसकी बीमारी में कोई देखभाल नहीं करता, उसके विचारों की कोई कदर नहीं करता, तो वो उससे कहीं बदतर है। अगर वो किसी से प्यार कर ले और परस्त्री से के साथ गमन कर ले तो उससे कम तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप कुछ भुगत रहे होते हैं, बीमारी में होते हैं या और किसी परेशानी में होते हैं और पति उससे उदासीन रहता है, वो कहीं ज्यादा बड़ा दंश है। सिर्फ ये दंश नहीं होता कि आपका किसी और से प्यार हो गया या आप किसी और के साथ चले गए, सिर्फ वही दंश नहीं होता, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दंश होते हैं उन्हें झेलना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जो आपको हर समय दंश देता रहे, आपको छोटा करके देखे, आपके विचारों की कदर ना करे। मैं तो यही सोचती हूँ, अगर मेरे पति का कहीं अफेयर हो जाए तो मुझे कोई खास दुख नहीं होगा, मगर अगर वो मुझे बेवकूफ माने, मेरी
किसी राय का कोई महत्व ना हो, अगर मेरी बातों का महत्व ना हो, मेरे राजनीतिक विचारों का महत्व ना हो, मेरे सामाजिक विचारों का महत्व ना हो, मेरी ऐतिहासिक दृष्टि का महत्व ना हो, तो वो मुझे ज्यादा दंश देगा। जब हमने ये उपन्यास लिखा उस समय लोग बहुत पढ़ते थे, मतलब इतने लोगों ने पढ़ा कि मन खुश हो जाता था। मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत एक दिन आटा दाल खरीदने पंसारी की दुकान पर गई तो वो एक किताब पढ़ रहा था, तो मंजुल ने कहा भाई वो जरा दे दीजिए, मैंने जो मांगा था। तो उन्होंने कहा बहन जी 5 मिनट रुक जाइए, आप देख रही हैं ना मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो ये वाला अध्याय खत्म हो जाएगा तब फिर मैं आपको दे दूंगा। तो उसने आगे मुंह बढ़ाकर देखा कि क्या किताब पढ़ रहा है, तो वो उसके हिस्से की धूप थी। तो जब उसने मुझे बतलाया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि रोहिणी अग्रवाल के लेख पर भी नहीं हो, जिन्हें मैं बहुत ही बेहतरीन आलोचक मानती हूं, तो एक पंसारी मेरी किताब पढ़ रहा है और वो कह रहा है भाई जरा रुक जाइए, ये अध्याय खत्म हो जाए तब मैं आपको सामान दूंगा। तो ये इस तरह के लोग उन दिनों पढ़ा करते थे, खूब पढ़ा करते थे। आजकल तो कोई पढ़ता नहीं है, इतना दुख होता है ना, आपने किताब लिखी लोगों को पता ही नहीं, जो प्रचार प्रसार तो खैर होता ही नहीं, तब भी नहीं होता था, मगर लोग अपने आप किताब ढूंढ कर पढ़ते थे और खूब पढ़ते थे। मैं फिर एक बार ये भी इल्तजा करूंगी आप युवा लोगों से कि पढ़िए, पढ़ना ना छोड़िए, जितनी मर्जी फिल्में देखिए, जितनी मर्जी गाने सुनिए, आपको फेसबुक पर रहना है फेसबुक पर रहिए, ट्विटर पर रहिए, सोशल मीडिया पर रहिए, मगर पढ़ना मत छोड़िए। जिस दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया उस दिन आप अकेले रहने से डरने लगते हैं, आप हर वक्त समूह में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, आप जानना चाहते हैं दूसरे की राय क्या है तब अपनी राय बनाते हैं, मगर जब आप पढ़ते हैं तब आप किताब के साथ अकेले होते हैं और वो अकेलापन बहुत भव्य होता है, वो अकेलापन बहुत बहुत लाजवाब होता है, जरूरी होता है जिंदगी के लिए। हाँ आनंदा, पर क्या यह सही है कि पत्नी के प्रति बिना उदासीन हुए, बिना उदासीन हुए, बिना वो अन्य स्त्री के से प्यार करता रहे और पत्नी स्वीकार कर ले? अब ये तो पत्नी ही निर्णय ले सकती है, हर औरत इसके बारे में अलग तरीके से सोचेगी, स्थितियां अलग होंगी, क्यों प्रेम कर रहा है, कब का प्रेम है, शादी से पहले से चला आ रहा है, अभी हो गया है, कौन जानता है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं और उसमें फिर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अलग तरह से उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। मैं समझती हूं कि अगर मेरे पति का कहीं प्यार हो जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर मैं ये नहीं कहती कि सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, ये सोचने की बात नहीं है, ये आदमी की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, औरत की भी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। अब हिंदी जगत के प्रकाशकों के बारे में क्या कहूं, वो तो हर वक्त यही रोते रहते थे जब बहुत पढ़ा जाता था तब भी कि ये किताब बिकती नहीं, जब बहुत बिकती थी तब भी यही कहते थे, और अब तो वाकई नहीं बिकती, तो अब तो उनसे भी थोड़ी थोड़ी हमदर्दी होने लगी है। मगर जिस बात से मुझे बहुत शिकायत है वो ये है,
कि हमारे प्रकाशक किताब को कोई तवज्जो ही नहीं देते। उसका जो उनका काम है वो किताब छापते हैं तो उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें, उसे बेचने की कोशिश करें। कोई जूता बनाता है तो उसको बेचने की कोशिश करता है, ये किताब छापते हैं उसको बेचने की कोशिश ही नहीं करते। अपने आप बिक गई तो बिक गई, वरना कुछ नहीं। और वो ज्यादातर समीक्षा के लिए भेज दी कहीं किताब तो भेज दी, उसके बाद कुछ नहीं, उसकी कोई उसके बाद देखने की कोशिश नहीं करते कि पुस्तक पर कुछ लिखा जा रहा है, पुस्तक पर बहस नहीं करवाते, सिर्फ कुछ किताबों को चुन लेते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों चुनते हैं, मुझे लगता है कि लुगदी साहित्य को ज्यादा चुनते हैं और उसमें उस पर बहस कराते रहते हैं, उस पर बातें कराते रहते हैं, या दो चार उन हर प्रकाशक के दो चार पसंदीदा लेखक होते हैं, किन कारणों से होते हैं पता नहीं, उन पर वो उनका प्रचार प्रसार करा देते हैं। मगर ज्यादातर तो किताब अपनी किस्मत पर निर्भर है, किताब की भी एक तकदीर होती है, नियति होती है, उसी पर वो निर्भर रहती है। प्रकाशक कुछ नहीं करते, जो उन्हें करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते, और लेखक को वो सम्मान नहीं देते जो देना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि वो ये नहीं समझते कि लेखक कितना अकेला होता है, लेखन कितना एकल कर्म है, आप बिल्कुल अकेले होकर लिखते हैं। और फिर वो अगर आपको पता ही ना चले कि भाई किताब में कब छपेगी, कोई तारीख आपको नहीं दी जाए, ये ना बतलाया जाए कि भाई दो महीने में छपेगी, एक साल में छपेगी, कब छपेगी, यहां तो यही नहीं पता चलता आज छपेगी या पांच बरस बाद छपेगी। और जब भी आप उसके लिए तकाजा करें तो आपको ऐसा महसूस करवाया जाता है कि जैसे आप कोई साहूकार या लेनदार हो और आगे तकाजा कर लिया। आपकी किताब आपने लिख दी उसके बाद कोई मतलब नहीं है, वो कब छपेगी उससे आपका कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए जैसे, और छपने के बाद उसका क्या होगा उसके बारे में भी आपको कोई मतलब नहीं है, और प्रकाशक को भी कोई मतलब नहीं है। तो जब किसी को कोई मतलब नहीं है तो बिकेगी कैसे पुस्तक। ये प्रकाशक जो है मुझे लगता है कि वो प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन जो है वो व्यवसाय भी है और साधना भी है। तो जब तक वो दोनों चीज ना हो वो नहीं चल सकती। सिर्फ ये कहकर के भी हम तो छापते हैं, देखिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम संस्कृति के लिए, आप मुक्त नहीं हो सकते। उसको व्यवसाय की तरह भी चलाना होगा, उसको बेचना होगा, और उसके लिए बेचने के लिए बहुत उपक्रम करना होता है, वो करना होगा। और फिर रॉयल्टी वगैरह की तो क्या ही बात करनी, जब वो कहते हैं बिकती ही नहीं तो रॉयल्टी जितनी दे देते हैं बहुत समझो। तो मेरे ख्याल से अब काफी हो गया, बंद किया जाए, 1.5 घंटा हो गया है, मैं मुतवातिर बोल रही हूं। अब मैं बंद करती हूं। आप सबको आपका अकेलापन मुबारक, आप खूब अकेले हो, और जितने अकेले हो उतने आप रचनाशील हो, जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे पुस्तक लिखते हो, कविता लिखते हो, कहते हो, सुनाते हो, गाते हो, नृत्य करते हो, चित्र बनाते हो, खाना बनाते हो, पाक कला भी कोई कम बड़ी कला नहीं है, या बच्चे पालते हो वो भी बहुत बड़ी कला है। बच्चों का पालन पोषण एक बहुत बड़ी कला है, विज्ञान भी है और कला भी है। और आप अगर स्त्री हैं तो खुशकिस्मत है कि आप मातृत्व को भी जान सकती हैं, बच्चे को भी पाल सकती हैं और किताब भी रच सकती हैं। अब मैं चलती हूं, मेरा आपको नमस्कार।
एक सवाल जो यहाँ सवाल तो नहीं है, ये कहन है। आनंदा पाटिल कह रही हैं, मेरी लिखने की शुरुआत थी खाली, मेरी लिखने की शुरुआत थी खालीपन से। क्या मतलब खालीपन से हुई आप कहना चाहती हैं? खाली तो आदमी जिंदगी भर रहता है। मैं अपनी बात कहूं, जब मैं किताब पूरी कर लेती हूं तो मुझे बहुत ही डिप्रेशन होता है, अजीब किस्म का एक डिप्रेशन होता है। अरे सारी बात अपनी कह दी, अपनी निजी बातें सबके सामने कह दी, सबको बतला दी, अब जो मेरा निजी था उसमें से एक हिस्सा चला गया और फिर खालीपन नहीं भरता, खाली तो रहता ही है। फिर एक और किताब आती है, फिर यही मन में आता है कि फिर मैंने सब कुछ कह दिया, फिर भी बचा रहता है, फिर कुछ आप कहते जाते मगर कहीं तो रुकना होगा। तो अब सचमुच नमस्कार, विदा देती हूँ।